हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उस पर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और वो होने वाले है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्रोंजर पैलेट। इसका रिव्यू मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप कोई इस पैलेट के बारे में जानना चाहते हो या फिर इसे खरीदना चाहते हो, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और मुझे पता है कि मैक्सिमम गर्ल्स जो होते हैं, लेडीज जो होते हैं, उनको हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो लोग हमेशा एक अच्छी हाइलाइटर को चूज़ करना पसंद करते हैं। और मुझे भी हाइलाइटर जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक हाइलाइटर का रिव्यू शेयर करूं। और मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और मुझे लगता है नहीं ये वाला जो प्रोडक्ट है अच्छे है, मुझे इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास जो पैलेट आप देख सकते हो, स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटर एंड ब्रोंजर पैलेट, जो कि एक ही पैलेट में है। आप देख सकते हो ये एक ही पैलेट है जिसमें आपको हाइलाइटर एंड ब्रोंजर मिल जाएंगे। सो इसके बारे में डिटेल में मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर आप इसका पैकेजिंग देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, और मैंने इसे ऑनलाइन से परचेज की है। तो पर्पल से मैंने इसे परचेज की है। आपको ऑनलाइन किसी भी जैसे कि पर्पल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आपको ये मिल जाएंगे। तो मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूंगी। तो प्राइस जब मैंने इसे परचेज की थी, मुझे इसका प्राइस मिला था 279 में, मुझे इसे का प्राइस मुझे मिला है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कभी कभी प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। और अगर आप इसे ऑफलाइन से इसे खरीदने के लिए जाओगे तो आपको इसका प्राइस मिलेंगे 350। जिस प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 4 इयर्स तक का इसका सेल्फ लाइफ है। और यहाँ पर आपको जो नेट अमाउंट इसका मिल जाएंगे वो 12 ग्राम का यहाँ पर आपको नेट अमाउंट मिल जाएंगे इस पे। सो चलो मैं अभी इसे ओपन करती हूँ। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं। एक जो है एक रोज गोल्ड है, एक गोल्ड है, और एक ब्राउन कलर के शेड्स, यहाँ पर 3 शेड्स आपको मिल जाते हैं, और एक शिमरी इफेक्ट भी देते हैं। इस पे एक मिनर होना चाहिए था, लेकिन इस पे एक मिनर नहीं है मेरे ख्याल से, इस पे एक मिनर होना चाहिए था। तो ये जो तीनों जो शेड्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एनी स्किन टोन पे ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है, स्मूथली ये अप्लाई हो जाती है, और एनी स्किन टोन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेयर स्किन, डल स्किन, व्हाइटिश स्किन इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइट वेट है, जो कि एनी स्किन टोन पे ये स्मूथली ये अप्लाई हो जाती है, और ये एक गॉर्जियस सो चीकी ब्यूटीफुल पिगमेंटेड हाइलाइटर पैलेट है, जो कि बहुत पसंद आए हैं मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका शेयर करूं। और लाइट वेट है, सिल्की फॉर्मूला है, हाईली पिगमेंटेड है, एंड लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत देर तक आपकी जो चिक पे है वो स्टे करते हैं। सो लॉन्ग लास्टिंग है, सो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। सो चलो मैं इसका डेमो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है, कैसे अच्छे से अप्लाई होते हैं या फिर नहीं। चलो देखते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रोज़ गोल्ड, क्योंकि ये वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि ये एज अ ब्लश का भी काम करेंगे और हाइलाइटर का भी काम करेंगे। यहाँ पर लाइट मैंने ज़्यादा लगाए हैं, जिस कारण की वजह से इतना नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इसे आप एज अ पार्टी और किसी भी ओकेशन के लिए आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो, और इसी एज अ ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये, तो कहीं पे भी आप इसे लेके भी जा सकती हो। सेकंड मैं इसे गोल्ड वाला थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आते हैं इसे यूज़ करने के बाद, बहुत ही अच्छे से अप्लाई भी होते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसका एप्लीकेशन हुए है, और लुक जो है कितना अच्छा आते हैं इसे यूज़ करने के बाद। तो इसी कारण की वजह से मुझे पसंद आए हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट शेड है, हाईली पिगमेंटेड है, शिमरी इफेक्ट देता है, स्मूथ एप्लीकेशन है इसके, और ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है। इसी कारण की वजह से मुझे ए वाला पैलेट पसंद आए है, तो मैं आप लोगों के साथ ए वाला पैलेट शेयर कर रही हूँ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जो अगर कहूँगी
तो मेरे साथ इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। और इसकी और एक नेगेटिव बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे मेंशन है कि ये हाइलाइटर एंड ब्रोंजर पैलेट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे ब्रोंजर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आप इसे एज अ ब्लश की तरह से यूज़ कर सकते हो और हाइलाइटर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रोंजर मेरे ख्याल से नहीं। सो तक रहा मेरा जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो मेरा पॉइंट रहा है, मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया है, एक्सपीरियंस शेयर की है। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ साथ में। और किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का जो वीडियो है गाइस, मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।